आप देख रहे हैं अंबा को इंडिया फोरम्स पे, देखते रहिए। ये मेरा चौथा डेली सोप है और मेरा सबसे पहला था मेरी डोली देने अंगना, फिर सेकंड था लेफ्ट राइट लेफ्ट, थर्ड था घर की लक्ष्मी बेटी, एंड दिस इज माई फोर्थ डेली सोप। एक्सपीरियंस पूरा बहुत ही अच्छा था क्योंकि एक लड़की हो के एक लड़की का रोल करना इट इज़ स्टिल वेरी इजी, लेकिन एक लड़की हो के एक ऐसे डाकू का रोल करना जो कम से कम 50-60 मर्दों के ऊपर अपना पूरा रौब जमा रही है और अम्मा जी के ऑपोजिट है, तो इट वॉज लाइक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई लाइक टू टेक चैलेंजिंग रोल्स, और अगर कोई एक ऐसा रोल है जहाँ पर लोग मुझे अब आकर कह रहे हैं शायद ये कोई और नहीं निभा पाता, तो सुन के भी अच्छा लगता है। और क्या होता है ना, डेली रूटीन वाले काम मतलब अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक ऐसी चीज़ को हाथ में लेना जो आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा अपना इनपुट ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो दैट इज़ मोर गुड फॉर यू एज एन एक्टर, क्योंकि आपको और एक्सपीरियंस मिलता है और आपको और ज़्यादा यू नो इट एड्स वर्सेटैलिटी टू योर कैरेक्टर एंड योर परफॉर्मेंस। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं लव एंड सपोर्ट वो मिल रहा है, बहुत ही क्रिटिकली भी बहुत ही ज़्यादा अप्रेजल मिल रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड, आई फील गुड। और मेरे हिसाब से कोई भी कैरेक्टर किसी भी शो में इंट्रोड्यूस होता है तो इसी मकसद के साथ इंट्रोड्यूस होता है कि उसका TRP बढ़ेगा, लोग ज़्यादा देखेंगे। और पहली बार आई थिंक इस शो में ऐसा हुआ है कि अम्मा जी के ऑपोजिट अगर उनसे कोई टक्कर लेने आया है और वो भी उनकी टक्कर का मतलब यू नो कि जिसके सामने वो खाना बना रही हैं, जिसके सामने वो घर साफ सफाई कर रही हैं, तो अच्छा तो लग रहा है क्योंकि बहुत अप्रिसिएशन तो मिली है साथ में। अगर शो के लिए भी अगर बेटर हुआ है, कहते हैं ना कि अगर अगर आपको किसी चीज़ का बढ़ावा मिले तो बढ़ावा अगर दोनों सेंस में मिले कि आपके फैंस भी बढ़ जाएं और आपका शो का जो TRP है वो भी बढ़ जाए, इट इज़ लाइक अ डबल पैकेज। अभी सीक्वेंस ये चल रहा है कि अम्मा जी वापस आ गई हैं अपना जो जंगल का हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद का इंटरेक्शन है उनमें, क्या चेंजेस आए हैं और कैसे वो बिहेव कर रही हैं और घर वाले परेशान हैं, और मुझे तो पता है कि है वो नौटंकी, तो उनके साथ मेरा वो इंटरेक्शन रूम में चल रहा है जो सुबह 7 बजे से चल रहा है। हॉर्स राइडिंग की हाँ बहुत मुश्किल हुई थी इनिशियली क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अभी इस टाइम पर और पीक आवर्स में हॉर्स राइडिंग की है 1 महीना तक, फिर डिक्शन की जो मेन चीज़ें होती हैं वो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, पता नहीं 50 बार तो उन लोगों ने मुझे कॉस्ट्यूम लुक टेस्ट और ये इतनी सारी चीज़ों के लिए बुलाया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इतनी सारी मेहनत के बाद जो निष्कर्ष निकला है, जो कैरेक्टर बन के निकला है और जिस तरीके से उसको सराहना दी जा रही है, दैट इज़ लाइक वेरी गुड, तो इट इज़ लाइक वर्थ इट। हाँ, आप अम्बा को बहुत ही जल्दी एक साड़ी में देखने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अम्बा ऐसी ही रहने वाली है, अगर बदलने वाली होती तो शायद बदल जाती, लेकिन उसका मकसद घर में आकर घर की जगह लेने का नहीं था, वो भगवानी को जो है, जो अम्मा जी जो है जिनको लोग जानते हैं, उनको रियलाइज़ कराने का है कि एक बेटी अगर चाहे तो बेटे को भी पछाड़ सकती है, शी इज़ नो लेस, तो वो ड्रेस और वो मेकअप वेकअप कुछ नहीं बदलने वाला है, अम्बा कैसी रहेगी अम्बा। बचपन में मुझे पूछा जाता था क्या बनोगी, मुझे लगता था मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी, लेकिन जब मैं एक्टर बन गई तो मुझे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि मैं पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, डाकू, एक अच्छी गुड लुकिंग NRI लड़की सब कुछ बन सकती हूँ। सो एज एन एक्टर आपको जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को प्ले करने को मिले उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इट इज़ जो मैंने घर की लक्ष्मी बेटिया में किया था वो पायल का कैरेक्टर था जो कि बहुत हद तक उर्मिला ऑफ प्यार तूने क्या किया उसमें से प्रभावित था, तो एक सेकंड को वो एकदम बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग हो जाती है, दूसरे सेकंड में एकदम पागल हो जाएगी और अपनी जान देने के लिए वो 10th फ्लोर पर चढ़ गई थी, एंड यू नो शी वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड। सो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर इज़, कि आपको अलग एक इंसान को अलग अलग चीज़ें करने को, अलग अलग कपड़े पहनने को, अलग अलग मेकअप दिखाने को, अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, सबको दिखाने को मिलता है, सो इट वॉज गुड। एज एन एक्टर आई वुड लव टू डू कैमियोज ओनली, अगर मुझे अच्छे अच्छे किरदार मिलें कुछ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है कैमियो के टाइम पर पूरा फोकस आपके ऊपर होता है, और उस टाइम पर अगर आपको अलग अलग तरीके के किरदार लगे, अभी तक जो मेरा ये चौथा रोल है, पिछले जो मैंने 3 किए उन तीनों से बिल्कुल अलग है, सो पीपल हैव सीन मी प्लेइंग पोर्ट्रेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बट कम्प्लीटली दूसरी अलग अलग तरीके से, तो इन अ वे इट इज़ गुड, कैमियो हो, लॉन्ग रनिंग हो, जो भी हो, इट इज़ लाइक यू शुड परफॉर्म वेल, दैट इज़ द होल सोल क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, आप लोगों का, यू लाइक रियली लाइकिंग अम्बा, और अगर अम्बा अभी आगे बढ़ रही है तो आप लोगों की वजह से, सो कीप वॉचिंग, और अभी और बहुत से आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और भी आने वाली है क्योंकि मैं अम्मा जी को बहुत परेशान करने वाली हूँ।
just can't.